सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके वी मैथ्स और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार, पीके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको आज किसान निधि योजना, जो समान किसान निधि योजना जिसमें सभी किसानों को 6000 रुपया दिए जाएंगे, उसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहते हैं। जब से NDA सरकार 2 बनी है, इस योजना का लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले यह छोटे किसान और सीमांत किसान को ही सिर्फ 6000 रुपया दिया जाता था, जिसमें 2000 के 3 किस्त में दिया जाता था। लेकिन अब बड़े किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कल के केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में ही मोदी सरकार ने क्या किया था, चुनाव के दौरान किसानों के हित में किए गए चुनावी वादों को पूरा कर दिया। चलिए क्या है, पहले छोटे किसानों को सिर्फ मिलता था, अब बड़े किसानों को भी मिलेगा। इसका दायरा जो 2 हेक्टेयर ज़मीन का था, वो भी दायरा को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी किसान को लाभ मिलेगा। जो किसान भाई अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, वह भी किसान भाई क्या करेंगे, आवेदन कर देंगे। चलिए हम लेटर को पढ़ते हैं। केंद्र में नवगठित राजग 2 सरकार ने पहले दिन ही धुंधार फैसला दिए हैं। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दरवाज़ा अब सब किसानों के लिए खोल दिया गया है। यानी सभी 14.15 करोड़ किसानों के खाता में सालाना 6000 रुपया जमा की जाएगी। इससे योजना की सरकारी खर्च क्या पड़ेगा, 87000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हित में किए गए चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। PM किसान योजना के तहत 12.5 करोड़ लघु सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपया देने का प्रावधान आम बजट में किया गया था, जिसमें किसानों को बैंक खातों में 2000 रुपया के 3 किस्तों में जमा किया जा रहा था। 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त कर दी गई है, अब यह सबके लिए खोल दिया गया था। पहले था सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान, यानी लघु और सीमांत किसान जो थे उसके लिए ही यह योजना था, लेकिन अब सभी किसानों के लिए यह दरवाज़ा खोल दिया गया है। इस तरह अतिरिक्त 12000 करोड़ रुपया और खर्च होंगे। फैसले के जानकारी देने आए नवनियुक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में जितने भी किसानों के लिए जितने बड़े बड़े वादे किए थे, पहली बैठक में ही पूरा कर दिया। और छोटे किसानों और व्यापारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ। सरकार ने पहले दिन ही किसानों को दोनों हाथों से उछालकर कुछ दे दिया है। किसानों की माली हालात में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान दिया है। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं। पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी। देश के 12.5 करोड़ ऐसे किसानों में से पहले चरण में ही 5 करोड़ किसानों का लाभ मिल सकेगा। न्यूनतम 55 रुपया प्रति मासिक किस्त देनी पड़ेगी, उतनी राशि केंद्र सरकार भी जमा करेगी। तोमर ने कहा कि दुनिया की इस अनूठी योजना को लागू करने में सरकारी खजाने पर 10000 करोड़ का भार आएगा। इस योजना के छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा। पेंशन योजना में 1.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर के व्यापारियों को शामिल किया गया है। तो किसान भाइयों के लिए यह सम्मान निधि योजना था, जो लघु और सीमांत किसान के लिए था, अब सभी किसानों के लिए खोल दिया गया है। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द किसान रजिस्ट्रेशन करवाएं और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके वी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।